सलमान खान को कोई रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता, कैसे सलमान अपने आप में यूनिक हो गए हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे सलमान से जुड़ी यही डिटेल। सलमान खान बॉलीवुड में सबसे ज्यादा प्रेम नाम से धमाका कर चुके हैं, उनसे ज्यादा सुपरहिट फिल्म में कोई भी प्रेम बनकर नहीं दे पाया। ये फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा रिकॉर्ड जो अनब्रेकेबल सा दिखता है, मगर सलमान के प्रेम करेक्टर को रिप्लेस करने की कोशिश हो गई है। जिस प्रेम की शादी फिल्म में सलमान खान को पहले कास्ट किया जाना था, उसमें अब उनके बदले कार्तिक आर्यन की एंट्री हुई है। बताया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन का मूवी में नाम प्रेम होगा। कार्तिक आर्यन की जो इमेज इन दिनों है वो एक सॉफ्ट एक्टर की है, इसीलिए सलमान की पहचान वाली फिल्म उन्हें ऑफर की गई। लेकिन कहा यही जा रहा है कि सलमान खान जिस काम को करते हैं और जो पहचान बना देते हैं, उसका क्रेडिट किसी और को नहीं दिया जा सकता। जरूरी नहीं प्रेम नाम के साथ कार्तिक आर्यन उतनी ही धांसू एक्टिंग करें जिसके लिए सलमान खान बी टाउन में फेमस हैं। सलमान खान को अजय देवगन ने रिप्लेस करने की कोशिश की, सलमान की जगह अक्षय कुमार ने भी लेनी चाहिए, लेकिन ये दोनों ही सुपरस्टार उस जगह को पूरा नहीं कर पाए। ये मामला ईद के मौके पर रिलीज हुई फिल्मों का है। सलमान खान का स्वैग ईद पर अलग अंदाज में होता है, कोई और एक्टर ईद पर उस तरह छाप नहीं छोड़ पाया जिसके लिए सलमान खान जाने जाते हैं। अजय देवगन की मैदान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई, अक्षय कुमार की छोटे मियां बड़े मियां भी बहुत ज्यादा कमाई नहीं कर पाई। ऐसी ही कोशिश ईद पर अजय देवगन ने साल 2022 में रणबीर 34 मूवी के जरिए की थी, लेकिन वहां भी उनकी उम्मीद टूट गई। टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 का भी थिएटर में ऐसा ही बुरा हाल रहा, यानी सलमान खान जिस अंदाज में फैंस को ईदी देते हैं वो कोई मुमकिन नहीं कर पाया है, इसीलिए ईद पर सलमान को रिप्लेस करना नामुमकिन सा हो गया है। सलमान खान ने शाहरुख की मूवी पठान में कैमियो रोल किया। उनके इस गेस्ट अपीयरेंस से शाहरुख इतने इंप्रेस हुए कि मूवी की सक्सेस में टाइगर का बहुत बड़ा योगदान माना। हालांकि टाइगर 3 में शाहरुख ने कैमियो करके इस नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन वहां वो खरे नहीं उतर पाए। कैमियो के जरिए शाहरुख खान का वो दम नहीं दिखा जिसकी जरूरत सलमान खान की फिल्म को थी। शाहरुख के फैंस भी सिनेमाघरों में सलमान के फैंस की सीट को रिप्लेस नहीं कर पाई, इसीलिए कहा जा रहा है जो सलमान खान करके दिखाते हैं उस जगह को भरना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। उनकी स्किल्स और असर को शाहरुख खान भी नहीं भर पाई। सलमान खान बिग बॉस में जिस तरह असर डालते हैं, उनकी जगह होस्टिंग करने वाले दूसरे सेलिब्रिटी वैसा इंप्रेसिव नहीं रह पाए। करण जौहर को सलमान की जगह मिली, लेकिन वो सलमान के मुकाबले कमजोर दिखे। फराह खान भी सलमान खान जितना दमदार नहीं हो पाई। संजय दत्त भी उस तरह अपनी पहचान नहीं बना पाए। एक तरह से कहें तो सलमान खान के न होने पर बिग बॉस में बहुत लोग आए और आएंगे, मगर उनकी तरफ फैन से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखता। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि सलमान खान की जगह भरना बॉलीवुड में किसी के लिए भी मुश्किल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।